बाल महाभारत कथा चैप्टर 7 भीम। पांचों पांडव तथा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जो कौरव कहलाते थे हस्तिनापुर में साथ साथ रहने लगे। खेलकूद हंसी मजाक सब में वे साथ ही रहते थे। शरीर बल में पांडु का पुत्र भीम सबसे बढ़कर था। खेलों में वह दुर्योधन और उसके भाइयों को खूब तंग किया करता। यद्यपि भीम मन में किसी से वैर नहीं रखता था और बचपन के जोश के कारण ही ऐसा करता था, फिर भी दुर्योधन तथा उसके भाइयों के मन में भीम के प्रति द्वेष भाव बढ़ने लगा। इधर सभी बालक उचित समय आने पर कृपाचार्य से अस्त्र विद्या के साथ साथ अन्य विद्याएं भी सीखने लगे। विद्या सीखने में भी पांडव कौरवों से आगे ही रहते थे। इससे कौरव और खीजने लगे। दुर्योधन पांडवों को हर प्रकार से नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहता था। भीम से तो उसकी जरा भी नहीं पटती थी। एक बार सब कौरवों ने आपस में सलाह करके यह निश्चय किया कि भीम को गंगा में डुबोकर मार डाला जाए और उसके मरने पर युधिष्ठिर अर्जुन आदि को कैद करके बंदी बना लिया जाए। दुर्योधन ने सोचा कि ऐसा करने से सारे राज्य पर उनका अधिकार हो जाएगा। एक दिन दुर्योधन ने धूमधाम से जल क्रीड़ा का प्रबंध किया और पांचों पांडवों को उसके लिए न्योता दिया। बड़ी देर तक खेलने और तैरने के बाद सबने भोजन किया और अपने अपने डेरों में जाकर सो गए। दुर्योधन ने छल से भीम के भोजन में विष मिला दिया था। सब लोग खूब खेले तैरे थे सो थक थका कर सो गए। भीम को विष के कारण गहरा नशा हो गया। वह डेरे पर भी न पहुंच पाया और नशे में चूर होकर गंगा किनारे रेत में ही गिर गया। उसी हालत में दुर्योधन ने लताओं से उसके हाथ पैर बांधकर उसे गंगा में बहा दिया। लताओं से जकड़ा हुआ भीम का शरीर गंगा की धारा में बहता हुआ दूर निकल गया। इधर दुर्योधन मन ही मन यह सोचकर खुश हो रहा था कि भीम का तो काम ही तमाम हो गया होगा। जब युधिष्ठिर आदि जागे और भीम को न पाया तो चारों भाइयों ने मिलकर सारा जंगल तथा गंगा का वह किनारा जहां जल क्रीड़ा की थी छान डाला, पर भीम का कहीं पता न चला। अंत में निराश होकर दुखी हृदय से वे अपने महल को लौट आए। इतने में ही क्या देखते हैं कि भीम झूमता झामता चला आ रहा है। पांडवों और कुंती के आनंद का ठिकाना न रहा। युधिष्ठिर कुंती आदि ने भीम को गले से लगा लिया, पर यह सब हाल देखकर कुंती को बड़ी चिंता हुई। उसने विदुर को बुला भेजा और अकेले में उनसे बोली, दुष्ट दुर्योधन जरूर कोई न कोई चाल चल रहा है। राज्य के लोभ में वह भीम को मार डालना चाहता है। मुझे इसकी चिंता हो रही है। राजनीति कुशल विदुर कुंती को समझाते हुए बोले, तुम्हारा कहना सही है, परंतु कुशल इसी में है कि इस बात को अपने तक ही रखो। प्रकट रूप से दुर्योधन की निंदा कदापि न करना, नहीं तो इससे उसका द्वेष और बढ़ेगा। इस घटना से भीम बहुत उत्तेजित हो गया था। उसे समझाते हुए युधिष्ठिर ने कहा, भाई भीम, अभी समय नहीं आया है।
तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। इस समय तो हम पांचों भाइयों को यही करना है कि किसी प्रकार एक दूसरे की रक्षा करते हुए बचे रहें। भीम के वापस आ जाने पर दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य हुआ, उसका हृदय और जलने लगा। धन्यवाद।